क्या प्रॉब्लम है आपकी? पढ़ाई में मन नहीं लगता, ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते हो, या फिर पढ़ाई लिखाई से दूर भागना चाहते हो? आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जिन्हें सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट है तो मेरे बातों को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर पढ़ाई में मन लगे, जो आप पढ़ते हो वो समझ में आए, तो पढ़ाई से अच्छी चीज इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है। लेकिन वही अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई से ज्यादा बोरिंग भी दूसरा कुछ नहीं। सारे स्टूडेंट्स का बस एक ही प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई में मन ना लगना। और तो और ताज्जुब की बात यह है कि ये सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा है जो स्टूडेंट्स को रोकती है पढ़ने के लिए। पढ़ते वक्त नींद आती है, पढ़ाई बोरिंग लगता है। अगर आपसे कहा जाए तो आप पढ़ाई ना करने के हजारों बहाने बता दोगे, क्योंकि मेन रीजन ये है ही नहीं कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता। वरना यूट्यूब पर तो हजारों वीडियोज हैं पढ़ाई में मन कैसे लगाए, लेकिन ऐसे वीडियोज का असर तो एक से दो दिन तक ही रहता है। अगर आपको मैं मूवी देखने को बोलूं तो आप बोर नहीं होंगे। सॉन्ग सुनने को कहूं तो घंटों सुनते रहोगे। फेसबुक इंस्टाग्राम इन्हें आप बहुत देर तक चला लोगे। गेम्स खेलने को बोलूं तो खुशी खुशी खेल लोगे। अब जरा शांत दिमाग से ये सोचकर देखो कि ये सारे काम जो मैंने अभी आपको बोले, अगर आपको मैं ये करने को कहूं तो आप करने से पहले जरा भी नहीं सोचेंगे कि आपको अभी मन कर रहा है कि नहीं। बस मोबाइल निकाला और मूवी देखने लग गए, सॉन्ग सुनने लग गए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखने लग गए, तो गेम खेलने लग गए। भले दिन भर ना सही, कुछ घंटे तो इन सब में दोगे। लेकिन वही जब बात पढ़ाई करने की आती है तो फिर ड्रामा चालू होता है कि अभी मन नहीं कर रहा, थक गया हूं, भूख लग रहा है, थोड़ा आराम कर लेता हूं, आज छोड़ो कल करेंगे। मतलब एक तरफ जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो काम आप खुशी खुशी कर लोगे चाहे आपका मन हो या ना हो। वही दूसरी तरफ जो जरूरी है उसे करने के लिए आपको मन चाहिए। पता नहीं आप समझ पाए या नहीं, लेकिन बात मन की है ही नहीं। हर स्टूडेंट के द्वारा कहा गया सबसे बड़ा झूठ है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सच्चाई तो यही है, आपके अंदर से आवाज तो आती है पढ़ने की, और आपको पढ़ने का मन भी करता है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। सोच कर देखो, जो स्टूडेंट साल भर पढ़ाई नहीं करता है इस बहाने से कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है तो ठीक पढ़ने बैठता है। क्यों भाई, क्या एग्जाम का नाम सुनते ही पढ़ाई में खूब मन लगता है? अब आप कहोगे फेल होने के डर से पढ़ाई करता है। चलो कारण कुछ भी हो, पर यह तो समझ आ गया कि पढ़ाई करने के लिए मन की जरूरत है ही नहीं। पढ़ाई में मन कैसे लगाए, यह एक गलत सवाल है। एग्जाम के टाइम स्टूडेंट का पढ़ाई में मन ना होने पर भी वो अच्छे से पढ़ाई कर लेता है कई घंटों तक। अभी जो मैं बोलूंगा वो एक असल वजह है कि क्यों एक स्टूडेंट चाहकर भी पढ़ नहीं पाता है। दरअसल आपको पढ़ाई करते वक्त मजा नहीं आता है, और उससे भी बड़ी बात, पढ़ाई का फायदा आपको तुरंत नहीं मिलता। अगर आपसे कहूं कि आप जितना घंटा पढ़ोगे आपको प्रति घंटा में 1000 करके दूंगा, तो आप सोचोगे ही नहीं कि आपका पढ़ाई में मन है या नहीं है। मेरा ऑफर सुनते ही आप लग जाओगे पढ़ाई करने, क्योंकि आपको इसमें फायदा दिख रहा है। ये बात अलग है अगर आप ज्यादा ही अमीर घर से हो तो आपको ये 1000 रुपए चिल्लर लगेंगे। परंतु मैं बात उनकी कर रहा हूं जो बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखते हैं। तो अब आप बोलो, जिस समय आपको पढ़ने का मन नहीं करता है उस समय अगर आपको 1000, 10000, 1,00,000 रुपए प्रति घंटा दिया जाए तो आप पढ़ोगे या नहीं? इसका जवाब कमेंट में जरूर बताना, और एकदम सच बताना। ये जो आप बहाना बनाकर रखे हो ना कि पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उस समय खींच कर एक चाटा लगा देना खुद को, अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं बस आपको फैक्ट बता रहा हूं, अब आप खुद को कैसे सुधारोगे ये आप जानते हो। मेरे इतना समझाने के बाद भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा आपके भलाई के लिए, कि पढ़ाई जैसी चल रही है चलने दो और किसी दूसरे फील्ड में बादशाह बन जाओ, क्योंकि जिंदगी खाली जेब से नहीं चलती है। अगर आपको यह वीडियो सच में पसंद आया तो बी मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा।